सुधागढ़ एजुकेशन सोसायटी चे पूर्व प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी हिंदी इंग्रजी उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओ मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते प्यारे बच्चों, सुधागढ़ विद्या संकुल के शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सुनीता पवार। तो आज हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी पहली इकाई पाठ क्रमांक 11 मित्रता का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये पाठ वार्तालाप यानी बातचीत पर आधारित है। तो बच्चों, जब आप किसी नए जगह पे जाते हो तो नए नए दोस्त बनाते हो। हमारे साथ हमारा परिवार होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ हमें मित्र की भी ज़रूरत होती है। मित्रता का तात्पर्य है किसी के सुख दुख का सच्चा साथी बनना। तो बच्चों, मित्रता इस शब्द का अर्थ आपको पता ही होगा। हाँ, तो अपने सही पहचाना बच्चों, मित्रता इस शब्द का अर्थ है दोस्ती। तो आप लोगों के भी बहुत सारे दोस्त होंगे। हाँ, तो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन की शुरुआत से ही वो किसी न किसी का साथ चाहता है। बचपन में माँ की गोद का साथ, धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ होते हैं। फिर जब वह घर से बाहर निकलता है तो मित्र उसे प्रिय लगने लगते हैं। मित्रता खेलते बातें करते अपने आप बन जाती है। मित्रता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। मित्र होने पर जीवन खुशहाल और आनंदमय बनता है। मित्र अपने जीवन में होने जरूरी होते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि एक दूसरे को अपना परिचय देते देते मित्रता कैसे हो जाती है। परिचय देते हुए घर के किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं। मित्रता इस पाठ में खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे दिखाए हैं। वे अपने निवास स्थान के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में बातें करते हैं। उनकी यही बातचीत उन्हें एक दूसरे की करीब लाती है। यही उनकी मित्रता की शुरुआत है। तो अब हम देखेंगे खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे। अर्नाल्ड। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। शमा। सुनो, मैं शमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। विहंग। नमस्ते, मैं विहंग, बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अर्नाल्ड। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबस्सुम। मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। विहंग। मेरे पिताजी वकील है, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अर्नाल्ड। मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? क्षमा। मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। तबस्सुम। हाँ हाँ, जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊँगी। विहंग।
आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ समीप, समीप यानी के पास निकट। बुआ, बुआ यानी के पिताजी की बहन। रोचक, रोचक यानी के दिलचस्प मजेदार। न्यायालय, न्यायालय यानी के अदालत। किस्से, किस्से यानी के दिलचस्प घटनाएं, कहानियाँ। सरपंच, सरपंच यानी के ग्राम पंचायत की मुख्य पंच। बातचीत, बातचीत यानी के संवाद, संभाषण। अब हम इस पाठ में दिए गए स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय प्रश्न पहला, संवाद के अनुसार उचित जोड़ियां मिलाओ। अगट एक, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। दोन, पाठशाला के समीप रहती हूँ। तीन, मेरे पिताजी वकील है। चार, मेरी माताजी सरपंच है। ब गट क, तबसुम ख, अर्नाल्ड ग, शमा घ, विहंग। अब हम संवाद के अनुसार उचित जोड़ियां मिलाएंगे। उत्तर, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, अर्नाल्ड। दोन, पाठशाला के समीप रहता हूँ, तबसुम। तीन, मेरे पिताजी वकील है, विहंग। चार, मेरी माताजी सरपंच है, शमा। प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। एक, विहंग के पिताजी, पर्याय अ, अच्छी बहस करते हैं। ब, मजेदार चुटकुले सुनाते हैं। क, न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। सही उत्तर, विहंग के पिताजी न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। दोन, तबसुम की बुआ जी, अ, बचपन की बातें बताती है। ब, ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। क, खाना पकाने की तरकीब सुनाती है। सही उत्तर, तबसुम की बुआ ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, किन किन में मित्रता हुई। उत्तर, अर्नाल्ड, शमा, तबसुम और विहंग में मित्रता हुई। दोन, अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं। उत्तर, अर्नाल्ड के घर में उसके दादाजी, माँ, पिता और छोटी बहन रहती है। तीन, अर्नाल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है। उत्तर, अर्नाल्ड की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। चार, कल किसका जन्मदिन है। उत्तर, कल शमा की बहन का जन्मदिन है। प्रश्न चौथा, नीचे लिखे वाक्य किसने कहे है। एक, तुम सब जरूर आना। उत्तर, यह वाक्य शमा ने कहा है। दोन,
आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। उत्तर, यह वाक्य विहंग ने कहा है। 3, मेरे पिताजी वकील हैं। उत्तर, यह वाक्य विहंग ने कहा है। 4, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। उत्तर, यह वाक्य अर्नाल्ड ने कहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने मित्रता इस पाठ का अध्ययन किया है। तो बच्चों, आप ये स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।